शिमला में इस समय लोगों में वोट बनवाने की होड़ सी लगी हुई है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए चार दिन में ही लगभग 9000 लोगों ने वोट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। इलेक्शन कमीशन अब इन आवेदनों की छंटनी कर रहा है। इससे पहले एमसी शिमला में लगभग 78000 लोगों के वोट बन चुके हैं। पूर्व जयराम सरकार ने मार्च 2022 में नगर निगम चुनाव नियमों में संशोधन किया था। तब नगर निगम चुनाव में केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था जिन्हें शिमला में विधानसभा चुनाव में वोट डाला था। पूर्व सरकार ने नियमों में संशोधन करके ड्यूअल वोट कटवा दिए थे और दो जगह वोट बनवाने को अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया था, लेकिन सुक्खू सरकार ने अब दोबारा इन रूल्स को बदल दिया है। अब दूसरे विधानसभा का व्यक्ति भी यहां पर मतदान कर सकेगा। शिमला एमसी एरिया का निवासी होना उसके लिए जरूरी होगा। बीजेपी सरकार के संशोधन के बाद एमसी शिमला क्षेत्र की वोटर लिस्ट में से लगभग 20000 वोटरों के नाम कट गए थे। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सुक्खू सरकार ने अध्यादेश लाकर नियमों में ये संशोधन किया। शिमला शहर में रह रहे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, यानी जिस व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव में धर्मशाला में भी वोट दिया है और वो शिमला में रह रहा है, ऐसा व्यक्ति भी अब शिमला एमसी में वोट डाल सकेगा। एमसी शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान के अनुसार पूर्व में कई लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। संशोधन के बाद इसमें सुधार किया गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए संशोधन के खिलाफ स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। शिमला नगर निगम के चुनाव जून 2022 से ड्यू हैं, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से चुनाव नहीं हो पाए। लेकिन अब इस चुनाव से अदालत की रोक हट गई है। 6 अप्रैल को वोटर लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी और इसके बाद अब 34 वार्डों में मतदान होने का रास्ता खुल गया है। शिमला एमसी चुनाव के मतदाता सूची 6 अप्रैल को प्रकाशित कर दी जाएगी। डोर टू डोर वार्डों में जाकर वोटर लिस्ट बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। अब पात्र मतदाता नॉमिनेशन भरने के 7 दिन पहले तक वोट बना सकेंगे, लेकिन अब ये निशुल्क नहीं होगा। इसके लिए प्रत्येक मतदाता को ₹50 शुल्क देना होगा। 6 अप्रैल को वोटर लिस्ट बन जाने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन कभी भी एमसी चुनाव का ऐलान कर सकता है। एमसी शिमला के चुनाव बीते साल मई में होने थे, लेकिन अब डीलिमिटेशन को कोर्ट में चुनौती देने के बाद ये नहीं हो पाए, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही ये चुनाव होंगे और शिमला वासियों को अपने मत का प्रयोग करने का मौका मिलेगा।